दोस्तों राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में मैं सभी पशुपालक भाइयों को जो हरियाणा नस्ल का एक उच्चतम जो है कोटि का सांड आपको दिखा रहा हूँ। टेस्टिकल आप इसके देख सकते हैं। गांव में पहले सभी गांव में ऐसे सांड होते थे, लेकिन अब जो है नाम के चक्कर में, नंबर के चक्कर में, फलाना बुल, वो बुल, ये बुल, हम इनको भूल गए हैं। क्योंकि आप नहीं जानते, जो भी आज मार्केट में खड़े हैं वो इन्हीं की बदौलत खड़े हैं। पहले सभी गांव में होते थे, पहले इतना क्रेज़ नहीं था लोगों को कि भी मेरे को मिल्किंग रिकॉर्ड करवानी, ये करवाना है। तो टेस्टिकल आप देख सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन टेस्टिकल, अगर मैं कहूँगा हरियाणा नस्ल का प्योर, मैं कहूँगा हम पर देख सकते हैं आप। सींगों से आपको थोड़ा सा मीणा ज़रूर लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ सींग है और लेलड़ा बहुत ही कम पाया जाता है। कहाँ है ये भी आपको मैं बता दूँ। जिस भाई ने हमारे साथ ये वीडियो शेयर की है उनको भी बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, जो हरियाणा नस्ल पर खुद भी संवर्धन का कार्य कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट में जुलाना गाँव पड़ता है। और वहाँ से भाई साहब है लाठर साहब, जो कि जुलाना के, जो मेरे को उनका जो है नाम तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जुलाना से ही है वो शायद। और ये जो उन्होंने बुल जहाँ से वीडियो बना के हमारे साथ शेयर की है स्पेशली चैनल पर डालने के लिए, ये भिवानी के अंदर एक गांव आता है खरक कलिंगा, जो भाई वहाँ के आसपास के हैं जिन्होंने सुना है वो अवश्य ही समझ जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट क्रॉसिंग चाहते हैं तो गांव में पंचायती सांड बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा टेस्टिकल देख सकते हैं, बहुत ही भारी भरकम टेस्टिकल है और प्योर हरियाणा नस्ल के करेक्टर्स जहाँ तक मुझे मालूम है। तो जो भाई हमसे भी ज़्यादा जिनको हरियाणा नस्ल के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि मुझे हरियाणा नस्ल का एक्स वाई जेड सभी कुछ पता है, तो जहाँ तक मुझे पता है प्योर हरियाणा नस्ल है मेरे हिसाब से। तो और भाई कमेंट करके बता सकते हैं। और जो डायरेक्ट क्रॉसिंग चाहते हैं, अगर आप प्रयोजनी तैयार करेंगे तो टेस्टिकल के हिसाब से पता लगता है। जो भी पशुपालक होते हैं वो पहले टेस्टिकल देखते हैं, तो टेस्टिकल के मामले में बहुत ही गजब हरियाणा नस्ल का उच्चतम कोटि का सांड है। देखिए क्या बात है, कितना अच्छा टेस्टिकल, और वैसे भी बहुत ही सोना सांड है। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आसपास के जो वहाँ के एरिया के पशुपालक भाई हैं डायरेक्ट क्रॉसिंग इससे करवा सके। और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें कि किस प्रकार का आपको लगा है, कितनी प्योरिटी इसमें है।